स्टूडेंट नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड में होगा बड़ा बदलाव। अब अपनी पसंद की भाषा में पढ़ सकेंगे छात्र। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की यादें हुई ताजा। हल्द्वानी पहुंची विजय यात्रा। नए साल कई फोनों में बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। खबर में बताएंगे बदलाव की बड़ी वजह। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ने 76 पदों पर निकाली भर्ती। 15 जनवरी तक करें आवेदन। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ उसकी अनुशंसाओं के अनुसार अब कक्षा 5 तक प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी अपनी परिवेशीय भाषा के माध्यम से पढ़ सकेंगे। यानी अब अलग भाषाई क्षेत्र से आने वाले बच्चों को भी अपनी भाषाओं में पढ़ने की छूट होगी। यह बात शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने वाली विद्यालय शिक्षा कोर समिति के सदस्य शिक्षक व साहित्यकार दिनेश कर्नाटक ने कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री इस बात से सहमत हैं कि बच्चे अपनी भाषा में चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। इसके अलावा बैठक में प्राइमरी स्कूल की कक्षा की हर कक्षा को एक शिक्षक प्रदान करने के लिए भी सहमति बनी है। वहीं अब राज्य में सभी सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को 3 साल की उम्र से प्री प्राइमरी की शिक्षा मिल सकेगी। उनके मुताबिक राज्य के विद्यालयों के मानक निर्धारण के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। खबर हल्द्वानी पहुंची विजय यात्रा की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ पर शहीदों के सम्मान के लिए भारत सरकार ने 4 स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया है। नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली की अनंत ज्योति से प्रज्वलित चारों मशालें देश के कोने कोने तक पहुँच रही हैं। युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांवों सहित विजय यात्रा के जरिए विजय मशाल को पूरे देश में ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ इसे वापस नई दिल्ली ले जाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली से चलकर ये यात्रा हल्द्वानी पहुंच गई है। सेना के काफिले के साथ सजी गाड़ियों में मशाल को पूरे सम्मान के संग देवभूमि लाया गया है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी में विजय मशाल को 3 जनवरी तक नगर में घुमाया जाएगा, जिसके बाद विजय यात्रा पिथौरागढ़ के लिए रवाना होगी। पिथौरागढ़ के बाद रानीखेत में यात्रा का आयोजन होगा। हल्द्वानी से शुरू हुई इस यात्रा को पूरे प्रदेश में बारी बारी से ले जाया जाएगा। खबर नए साल से व्हाट्सएप के बंद होने की। 1 जनवरी से कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए कि व्हाट्सएप आईफोन व स्मार्टफोन के पुराने वर्जन से अपना सपोर्ट खत्म कर रही है। एंड्रॉयड वर्जन 4.0.3 एवं iOS 9 के नीचे के वर्जन वाले फ़ोन में व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। मोबाइल विक्रेताओं के आकलन के मुताबिक पूरे देश में यह संख्या लाखों में है। अगर आपका स्मार्टफोन इस वर्जन से ज़्यादा अपडेट नहीं होता है तो फिर व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको नया फ़ोन लेना पड़ सकता है। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। खबर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च में भर्ती की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च CIMFR ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट एसोसिएट के 76 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 60% अंकों के साथ साइंस, केमिस्ट्री, ऑनर्स विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है। वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद पर आवेदन के लिए जूलॉजी, अप्लाइज जूलॉजी, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। इन पदों पर आवेदक की आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनिल धस्माना के बारे में। अनिल धस्माना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के प्रमुख हैं। वह भारत की विदेशी खुफिया सेवा अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के प्रमुख भी थे। उन्हें 31 जनवरी 2017 में रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। अनिल धस्माना का जन्म 2 अक्टूबर 1957 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ, जहां से स्कूली शिक्षा हासिल करके उन्होंने MCOM की पढ़ाई उत्तर प्रदेश राज्य से पूरी की। अनिल 1981 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी भी हैं। 3 दिसंबर 1981 को उन्हें नियुक्त किया गया था। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र को बलूचिस्तान, आतंकवाद और इस्लामी मामलों के लिए जाना जाता है। उन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा अनुभव है। उन्होंने लंदन और फ्रैंकफर्ट सहित प्रमुख राजधानियों में सेवा की है और यूरोप डेस्क भी संभाला है। बता दें कि पुलवामा कार हमले में शहीद हुए 40 CRPF जवानों के बाद
साल 2019 के फरवरी में हुए बालाकोट हवाई हमले की योजना का नेतृत्व भी अनिल धस्माना ने ही किया था। निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले अनिल धस्माना को 13 मार्च 2015 से कैबिनेट सचिवालय नई दिल्ली में विशेषज्ञ सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।